हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ पिवट टेबल में ऑटोमेटिकली डेटा सेलेक्ट कैसे होगा। जी हां, ये हमारे किसी व्यूअर ने मुझसे कमेंट में पूछा था, तो हम इसके बारे में आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर ले, कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज आपसे बात ये कर रहे हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास आपके सामने एक डेटा है। जी हाँ, डेटा। अब इस डेटा में अगर मेरा रो और कॉलम बढ़ता है तो क्या होगा, कैसे मैं पिवट ऑटोमेटिकली इसको डिडक्ट कर लेगा। जैसे कि अगर हम नॉर्मली पिवट लगाते हैं इस पे, यहां से जब हम पिवट लगाते हैं नॉर्मली, तो उसमें क्या होता है कि अगर हम कोई डेटा ऐड करते हैं, जैसे कोई भी नाम या कुछ यहां हम अपने डेटा में ऐड करेंगे, तो दिक्कत क्या होगा। मान लीजिए कोई नया डेटा डाल देता हूं, T2 T2 नहीं है इसमें, और अब ये देखिए T2 का डेटा हमारा यहां पे रिफ्रेश करने पे नहीं आएगा। तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो मुझे पिवट टेबल में जाके चेंज डेटा सोर्स करके मुझे बार बार डेटा सोर्स चेंज करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम है क्योंकि आपके डेटा अगर कम्युनिटी डेटा हर दिन एक के नीचे कॉपी पेस्ट होती है डेली सेल्स टाइप का, तो आपको हर दिन आपको इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो दूसरा क्या तरीका है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि सॉल्यूशन के तीन तरीके हैं मेरे हिसाब से। पहला तरीका है कि आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लें। जी हाँ, आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लें, या होम में भी या इंसर्ट में टेबल होता है, इसको आपने क्रिएट अ टेबल कर दिया। अब इस टेबल का नाम दे दीजिए डेटा, उसके बाद आप पिवट टेबल लगाइए। यहां इसको क्लिक करके भी लगा सकते हैं, इस पे क्लिक करके पिवट टेबल लगा सकते हैं, या फिर किसी शीट में जाइए इंसर्ट पिवट टेबल और यहां पे डाल दीजिए डेटा एंड ओके कर दीजिए, आपका पिवट लग जाएगा। अब जैसे इसमें टेबल की खासियत क्या होती है कि जैसे मैंने कोई फील्ड ऐड किया, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे T2 ऐड करता हूं, नहीं T2 तो है, एंटर मारते हैं टेबल इसके नीचे आ जाएगा। जी हाँ, और पिवट में आप यहां जैसे कि मैंने यहां पे नेम रखा, तो यहां पे देखिए श्याम नहीं आ रहा है। श्याम कब आएगा, जस्ट रिफ्रेश, रिफ्रेश तो आपको करना ही पड़ेगा, श्याम तक आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, डेटा को रेंज को इंक्रीज ना करना पड़ा। अब यहाँ पे एक और बात है कि क्या हम इसमें फील्ड कोई ऐड कर दें, जैसे कि मंथ है, MRP है, तो यहाँ मैं कमीशन ऐड कर देता हूँ कि कमी हमने कुछ कमीशन दिया है। कमीशन ऐड हो गया, तो क्या यहाँ एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ कमीशन का भी कॉलम आ गया है। तो टेबल अच्छा है, लेकिन टेबल में दिक्कत क्या होता है कि जब हम डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं तो टेबल इंक्रीज नहीं होता है, हमें टेबल को मैनुअली यहां से इस तरह से इंक्रीज करना पड़ जाता है। तो यहां पे एक दिक्कत और भी है। अब इस दिक्कत को निपटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसके दो तरीके और हैं जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको सबसे पहले तो रिकन्वर्ट कर देता हूँ ताकि नॉर्मल रेंज में हो जाए, और इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, उसके बाद अब दूसरा तरीका है कि इसको हम पहले फाइल को तो सेव करेंगे। सेव करने के बाद मान लीजिए इसको हम पी डेटा के नाम से सेव करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद हम यहां एक्सटर्नल पिवट टेबल यूज करेंगे, इंसर्ट पिवट टेबल यूज कनेक्शन डेटा सोर्स ब्राउज फॉर मी, और यहां पे हम जाएंगे अपने डेटा पे।
डेटा, डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके। तो इसमें डेटा ऐड होता जाएगा और इसको रिफ्रेश करते जाइए और डेटा इसमें ऑटोमेटिकली आता जाएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल डेटा सोर्स से कनेक्टेड है। इसमें कोई भी ऐड करते हैं डेटा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ऐड किया रविंद्र, तो यहां पे मुझे जस्ट इसको रिफ्रेश करना है। आ जाता है बट अभी कुछ प्रॉब्लम है सर, एक बार मैं रीओपन करता हूँ। जाइए, वो सेव नहीं हो रहा था, सेव नहीं हो रहा था, इस कारण से रिफ्रेश नहीं हो रहा था। सॉरी, मैं गलत पिवट पे था, ये पिवट तो टेबल से बना हुआ है ना, मेरी गलती थी। तो हमने जस्ट रिफ्रेश किया और यहाँ देखिए आ गया, सेव एज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक फैसिलिटी, एक फीचर है कि आप यहाँ डेटा में जाएं, क्यूरी कनेक्शन में आएं और यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके आप सेट कर सकते हैं आप कि आपका प्रॉपर्टीज में कि एवरी कुछ मिनट पे सेकेंड रिफ्रेश होता जाए, या जब फाइल ओपन हो तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए। तो इसमें एक फीचर होता है ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने का, लेकिन इसमें ये भी आपका कॉलन वगैरह नहीं ले पाता है, दिक्कत ये भी है। उसके बाद अगर फाइल किसी और सिस्टम पे आप भेजते हैं तो वहाँ वर्क नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम का पाथ होता है। तो हमें इसके लिए कुछ और चीज़ करनी पड़ेगी। इसके लिए हम यहाँ ऑफसेट फॉर्मूला लगाते हैं नेमिंग मेथड के जरिए। ऑफसेट रेफरेंस हमने A1 दे दिया, कॉमा, रोज हमने 0 से दिया, कॉलन हमारा 0 से है, और हाइट, हाइट में हमने यहाँ पे काउंट A का फॉर्मा लगा दिया, और विड्थ में भी हम काउंट A का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एक डायनेमिक रेंज को हम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए पूरा डेटा आ जा रहा है, तो हमें यहाँ पे जस्ट कुछ फ्रीज करने पड़ेंगे, इसको इसको और इसको फ्रीज कर दिया, और फिर इस पूरे डेटा को हम कॉपी करते हैं और यहाँ फॉर्मूला बार में डिफाइन नेम पे आते हैं। डिफाइन नेम पे हम यहाँ पे दे देते हैं टी डेटा, पिवट डेटा, और फिर इस पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं एंड ओके। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, डबल डबल इक्वल हो गया, बता देता हूँ। हाँ, अब मुझे किसी भी सीट पे जाऊँगा, पिवट टेबल लगाऊंगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब कुछ इसमें वैलिड है। यहाँ पे पी डेटा दे दीजिए और आप कुछ भी चेंज करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये आपका डेटा ऑटोमेटिकली ऐड होते जाएगा, इसमें कोई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो परफेक्टली है। तो हमने क्या किया, हमने ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया था। मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा दिखा देता हूँ कि हमने फॉर्मूला क्या लगाया था। ऑफसेट A1 से स्टार्ट किया, 0.0 रो, हमने रो इसकी रो की हाइट में कितने नंबर ऑफ डेटा है और काउंट A से ले लिया, कितने नंबर ऑफ कॉलम टोटल डेटा में है वो हमने काउंट A से ले लिया। अगर बढ़ता है तो काउंट भी अपना रिजल्ट चेंज कर देगा, तो आपका डेटा का रेंज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये थी हमारे तरफ से आपके लिए पिवट टेबल में ऑटोमेटिकली डेटा सिलेक्शंस के बारे में।
अब आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे स्काइप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है और कंप्लीट एक्सेल वीवीए और कंप्लीट एमआईएस को सीखना है, तो आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं और डेमो क्लास का फॉर्म भर दें और कुछ डेमो क्लासेस मेरे साथ लें, ठीक लगे तो इनरोल करें। तो हम आपके फ़ोन का, आपके व्हाट्सएप का इंतज़ार करेंगे, आपके डेमो क्लास की रिक्वेस्ट का इंतज़ार करेंगे। आप फटाफट डेमो क्लास का फॉर्म भरें या फिर कॉल करें मुझे, अगर आपको सीखना है तो। थैंक यू।